दोस्तों, सभी का मेरा YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं काम की बात। दोस्तों, सबसे पहले मैं सभी से, मेरे जो व्यूवर्स से, मेरे जो YouTube चैनल का ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, बात करते हैं 323-343 IPC। जब किसी व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज होता है इस धारा में, तो वह किस प्रकार से इस मुकदमे से बच सकता है और इस 323-343 IPC में क्या सजा का प्रावधान है आप। लेकिन दोस्तों, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे, जब तक आप इसके बारे में पूरा जान नहीं सकते, विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि 323-343 धारा क्या करती है, कितने साल की प्रावधान है, कितने साल का जुर्म, कितने साल की सजा है, कितना जुर्माना है, आदि आप इस वीडियो को देखने पर पता चलेगा। मान लो दोस्तों, अगर किसी ए बी के आपस में मारपीट हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, काली कलोच हो जाती है, छोटी मोटी घटना हो जाती है, तो उस ए ने बी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, तो अगर थाना अधिकारी द्वारा 323-343 में मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो आप उस मुकदमे से कैसे बच सकते हो? अगर झूठा मुकदमा है तो किस प्रकार से बच सकते हो? और अगर सही है तो क्या आपको जेल जाना पड़ सकता है, या किस प्रकार से आप उस मुकदमे से बच सकते हो? दोस्तों, अगर किसी के खिलाफ 323-343 का ऑफेंस बनता है तो वो क्या कर सकता है? दोस्तों, अगर आपके खिलाफ ऐसा ऑफेंस बनता है तो आप तुरंत किसी भी वकील से संपर्क करें। अगर 323-343 में आप द्वारा किसी के साथ मारपीट होती है और आप उसमें मुलजिम हो, तो किस प्रकार से आप जमानत पा सकते हो, किस प्रकार से क्या हो सकता है और क्या सजा इसमें होती है? दोस्तों, अगर 323-343 में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो वह बेलेबल ऑफेंस होता है। 323-343 इसमें आपको 41 का नोटिस देके थाने में ही जमान दे दी जाती है। जब थाने में 41 का नोटिस देने के बाद स्पष्ट ये कहा जाता है जमानती तौर पर कि आपको जिस दिन कोर्ट में पेश करे उस दिन आपको हाजिर होना पड़ेगा। इसी के साथ साथ 323-343 में 323 में क्या सजा है? 323 में अगर कोई स्वेच्छा से मारपीट करता है तो उसमें 1 साल की सजा प्लस 1,000 का जुर्माना है, जिसमें 1 महीने की सजा के साथ साथ 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है और यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन यह समझौता योग्य ऑफेंस है, इसमें समझौता हो सकता है, समझौता कर लिया जाता है। 343 में क्या सजा है? 343 में 1 माह की सजा प्लस 1 माह की साधारण कारावास या दोनों, या 500 रुपए आर्थिक दंड, दोनों से भी सजा दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इसमें यह भी संज्ञेय किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय श्रेणी में, अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन समझौता करने योग्य नहीं है। लेकिन दोस्तों, 323-343 अगर किसी के लग जाती है बाय द वे, तो वो उस धारा से ना घबराए, ना ही उसमें जेल जा सकते हो, क्योंकि ये जो ऑफेंस है बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है, आपको तुरंत मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपके ऊपर अपराध साबित हो जाता है तो आपको मजिस्ट्रेट द्वारा 1 माह की सजा प्लस 500 रुपए जुर्माना 341 में और 323 में 1 महीने से 1 वर्ष तक की सजा और 1,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आजकल अगर आप सही वकील से सलाह लोगे तो इसमें जेल जाने से बच सकते हो, अन्यथा आप जेल जा सकते हो। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स में, अगर आप कोई पूछना चाहते हो, अगर आपको 323-343 आपके आड़ोस पड़ोस में या फ्रेंड सर्किल में ऐसा होता है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझे पूछ सकते हो। और मैं यही आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।